जय जिनेन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा। इसके लिए हमें चाहिए आटा, मैदा, दही और तेल, मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक और पिसी हुई चीनी। अब हम इन सबको एक साथ मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा तेल का मॉइन डालकर अब हम इस आटे को दही की मदद से बांध लेंगे। थोड़ा थोड़ा दही लेकर हम इस आटे को मिक्स करते जाएंगे और पानी की मदद से एक जैसा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें दबा दबा कर ये आटा नहीं बांधना है, बस मिक्स करते जाएंगे। हमारा आटा अब तैयार है, इसे हम ढककर अलग रख देंगे। पानी से एक जैसा कर ढककर अलग से रख देंगे। अब यहाँ मैं एक चम्मच मैदे को अलग से आधी कटोरी दूध के अंदर अच्छे से मिक्स करके रख लूँगी, कोई गांठें न रहे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल गरम कर उसके अंदर शिमला मिर्ची, लाल और पीली शिमला मिर्ची और साथ ही थोड़े से स्वीट कॉर्न डालकर हम तेज़ आंच पर ही थोड़ा सा चला लेंगे। इसके अंदर फिर अब मैं थोड़े मसाले डाल दूँगी। सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक, फिर थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगेनो, ये ड्राई हर्ब है। डालेंगे इसमें फ्रेश बेजिल लीव्स। अब इसके अंदर जो दूध और मैदे का हमने मिक्सचर घोल के रखा था उसको डालेंगे और कंटिन्यूस इसको हिलाते रहेंगे। हम यहाँ वाइट सॉस नहीं यूज़ करेंगे, उसकी जगह यह मिक्सचर थोड़ा सा इसको हमारी टॉपिंग को गाढ़ा भी कर देगा और एक क्रीमी क्रीमी टेक्सचर दे देगा। अब इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च भी मिला लेंगे। अब इसके अंदर हम पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। जो घर पर हम सॉस बनाते हैं उसको मीठा कम करके और थोड़ी सी उसमें लाल मिर्च और काली मिर्च बढ़ा देंगे तो हमारा ये पिज़्ज़ा सॉस भी तैयार हो सकता है। तो इस तरह से हमारी टॉपिंग्स तैयार है। अब हम हमारा जो आटा है उसको थोड़ा सा ड्राई मैदा लेकर एक जैसा करेंगे। हमें इस आटे को गूंदना नहीं है। आटे के 4 से 5 इस तरह से पीस बना लिए हैं, उनको ड्राई मैदे की मदद से पहले हाथ से थोड़ा बड़ा करेंगे और बाद में बेलन से हल्के हाथ से एक पतली सी रोटी बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी हमें, थोड़ी ठीक ठीक रोटी बनानी है और उसके ऊपर फिर फोक से इस तरह से डिज़ाइनिंग और छेद बना देंगे जिससे हमारा पिज़्ज़ा बेस फूलेगा नहीं। पिज़्ज़ा बेस हमने एक तरफ से लाइट सेका है और एक तरफ से थोड़ा सा रेडिश सेका है। जो लाइट वाला पार्ट है उसको तवे पे घी लगा के हम नीचे की साइड रखते हुए सेकेंगे और जो ऊपर डार्क वाला पार्ट है उसके ऊपर हम पहले चम्मच की मदद से पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। उसके ऊपर हमारे पिज़्ज़ा की जो टॉपिंग हमने बनाई है उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब उसके ऊपर हम थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर डालेंगे ऑरिगेनो। अब हम इसके ऊपर पनीर किसकर डाल देंगे। अब हम इसको सिम आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। के बाद देखिए हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। अब इस पिज़्ज़ा को हम पिज़्ज़ा कटर से या चाकू की मदद से मन चाहे पीसेस में काट लेंगे और देखिए इसकी क्रस्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ नीचे से कितनी अच्छी कड़क हुई है। तो तैयार है हमारा पिज़्ज़ा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।